नमस्कार दोस्तों, जय मां काली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो दिनों के राशिफल के बारे में और दोस्तों कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी भी देंगे जो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों आपके जीवन की सारी मुसीबतों को दूर कर देगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आएंगी। बस आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय मां काली जय शनि देव जरूर लिखें, ताकि सभी देव की कृपा आप सभी के जीवन काल में बनी रहे। तो दोस्तों, आज के राशिफल जानने से पहले आज के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताना चाहती हूँ। दोस्तों, खुले आसमान में उड़ती रंग बिरंगी चिड़िया, तोते और कई तरह के पक्षी हमारा मन मोह लेते हैं। पक्षियों को आज़ादी का प्रतीक माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पक्षियों को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से अशुभ माना जाता है। इससे परिवार के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पक्षियों का नवग्रह से भी संबंध है, ऐसे में इनकी शुद्धता पाने के लिए घर में पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए, वरना आर्थिक हानि और घर की सुख शांति भंग हो सकती है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे पक्षी बताए गए हैं जिनकी तस्वीर घर में लगाई जाए तो आपको कई तरह के फायदे मिल सकते हैं। इन्हीं में से एक है तोता। तो चलिए जान लेते हैं कि इन दो दिनों में आपको कौन कौन से फायदे होने वाले हैं। दोस्तों, आपको आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। धार्मिक तथा सामाजिक गतिविधियों में व्यस्तता रहने वाली है। बच्चों से संबंधित कोई खुशखबरी भी मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। अपने खर्चों को सीमित रखें। कोई शुभ समाचार मिलने से मन कुछ विदित रह सकता है। अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक विस्तृत करें। व्यवसाय से संबंधित कोई भी काम करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें, क्योंकि कोई भी निर्णय लेते समय असमंजस की स्थिति बन सकती है। विद्यार्थियों को कहीं नौकरी संबंधित विवाहित परीक्षा में मनोरीत कोई परिणाम मिलने की संभावना है। विवाहित संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए आपको विशेष प्रयास करने होंगे। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के लिए समय निकालना जरूरी है। सुख समृद्धि से सामंजस्य बना रहेगा और दोस्तों आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि हमेशा आती रहेगी। आज किसी नए इंसान से मिलने का मौका मिल सकता है। आपके बिजनेस के बारे में बात करूं तो बिजनेस में दोस्तों काफी मोटा मुनाफा होने वाला है और दोस्तों बिजनेस में आप किसी की साझेदार बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही आपको बता दे, साझेदार को पहले जांच कर रख ले, उसके बाद में ही आप उसे अपना मित्र बनाए, अन्यथा आपके साथ किसी भी तरह का छल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत दोस्तों आप सभी को बता दूं, इस समय थोड़ा कम ही बात करें, क्योंकि दोस्तों आप लोग जस बातों में आ करके किसी को भी गलत बोल सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को दुश्मनी का सामना करना पड़ सकता है और बड़ा नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए दोस्तों मन को शांत रखें, किसी पर भी बेकाबू मत होना, क्योंकि दोस्तों लड़ाई झगड़े में केवल और केवल आपको फायदा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, नुकसान दोनों ही पक्षों को होता है। और दोस्तों आप लोग बुराइयों पर थोड़ा काबू रखें, कभी किसी को अपशब्द ना कहें, नहीं तो दोस्तों आपको ये बात पता होगी कि शब्द स्वस्थ से ज़्यादा घायल करते हैं, शब्दों का बाण शस्त्रों से ज़्यादा होता है, इसलिए इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से याद रखें। और दोस्तों इसके साथ ही इस समय धातु के व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिए भी काफ़ी शुभ समय चल रहा है। दोस्तों आपको निवेश करना चाहिए ताकि बिजनेस को और भी बेहतर बना सके। वहीं दोस्तों इस समय आप लोगों को आपसी कोई भी मतभेद हो सकता है, लेकिन दोस्तों आप लोगों की समझदारी से काम लेना होगा। दोस्तों इस समय आप लोग अपने परिवार को टूटने से आपको बचाना होगा, क्योंकि दोस्तों आपके परिवार केवल आपके ही भरोसे चल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही बात करेंगे कि उनके लिए जिनके लिए शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, दोस्तों
आने वाले अगले नए साल में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरियां लेकर आने वाले हैं। और दोस्तों, अब आपके माता पिता शादी के लिए तैयार हो जाएंगे, इसलिए दोस्तों आप लोग धीरे धीरे ही सही उनसे शादी की चर्चा करने के लिए अभी बात कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यकीनन आपके बाद आपके माँ बाप मान ही जाएंगे। और दोस्तों, जो व्यक्ति संतान की प्राप्ति के लिए बहुत दिनों से विवाहित थे और वो दोस्तों वे संतान की प्राप्ति चाहते थे, वे दोस्तों होते हुए दिख रही है। इसके साथ ही दोस्तों, इस समय रिश्तों में गहरा प्रण दिखाई दे रहा है और दोस्तों आपको लगातार ही कुटुंब या फिर आना जाना उनका लगा रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, समय बहुत ही कम रहने के चलते दोस्तों आप लोग समय नहीं देना चाहेंगे, इसका दोस्तों घाटा आप सभी को होने वाला है। इसके साथ दोस्तों, आपको इन दिनों में कुछ सावधानियां भी देखकर चलनी होंगी। भावनाओं में बहकर किसी के साथ जल्दबाजी में कोई प्रॉमिस ना करें, वरना लोग आपके इस स्वभाव का नाजायज फायदा उठा सकते हैं। बच्चों और उनके मन मुताबिक कार्यों में कुछ समय अवश्य ही व्यतीत करने दें, इससे दोस्तों उनका व्यक्तित्व वृद्धि विवाह अच्छी तरीके से होगा। ध्यान प्रतिष्ठा में कोई भी नया काम शुरू करने से पहले किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें। ऑफिस में किसी अच्छे इंसान के साथ मन मुटाव दोस्तों आपका बन सकता है। बेहतर होगा कि आपके कार्यों में भी आप मग्न रहें, इस समय आपका रुचिपूर्ण कार्य जरूर मददगार होगा, इससे मानसिक सुकून मिलेगा। प्रतिदिन मेहनत और थकान की वजह से कभी कभी चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है, लोगों पर अपनी मर्जी थोपने का प्रयास ना करें, गुस्से और आवेश में काबू रखें। किसी नजदीकी संबंधी से कहा सुनी होने की वजह से चिंताजनक स्थितियां बन सकती हैं, थोड़ा शांत बने रहना ही उचित रहेगा। किरदार संबंधी मामले सुनने में सुलझत रहे दोस्तों, अनुकूल समय चल रहा है। करियर और कार्य क्षेत्र में बेहतरीन के लिए कोई कोशिश सफलता मिल सकती है। भविष्य संबंधी योजनाओं को मुक्त रूप देने की कोशिश काफी हद तक सफल रहेगी। व्यवसाय में आपका काम करने का तरीका अपनी मेहनत के उचित परिणाम देगा तथा कुछ रुकावटें भी दूर होंगी। इसके साथ कारोबारी संबंधी सही गतिविधियां अपनी निगरानी में ही कराएं, क्योंकि दोस्तों किसी कर्मचारियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोग अपनी तरक्की के अवसर बढ़ रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो पति पत्नी आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कुछ समय एक साथ जरूर व्यतीत करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।